हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर्स। सो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को। और याद रखें कि शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। और अगर आपसे पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में चुनावी सुधार की पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं टी एन शेषन। चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। और जो हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है उनका नाम है सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा। और ये जो चुनाव आयोग है ये हमारी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस भारतीय गेंदबाज द्वारा मात्र 34 T20 इंटरनेशनल मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है युजवेंद्र चहल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया? ब्रिक्स, तो ये आयोजित किया गया ब्राज़ील में। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील का जो प्रसिद्ध शहर है वो है रियो डी जेनेरियो में ही पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, और ये पर्यावरण का सबसे पहला और बड़ा सम्मेलन था। याद रखें, पर्यावरण का सबसे बड़ा पहला सम्मेलन, अगर पहला पूछता है सिर्फ, तो याद रखें स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज हुई है? तो ये खोजा गया है ईरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान, और इराक की राजधानी है बगदाद, चीन की राजधानी है बीजिंग, और रूस की राजधानी है मास्को। तो ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार ऐसे राजधानियां जो हैं पूछी जाती हैं। फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रांस ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 10 नवंबर को। और आपको बताना है कमेंट में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया जो है यहाँ पर ही मुख्यालय स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। किसका मुख्यालय स्थित है तो आपको पता होना चाहिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्ष को
अयोध्या में ही कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है? तो ये दी जाएगी उनको 5 एकड़, 5 एकड़। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है केरल में। केरल, केरल में बता दूं, अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके तहत केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। शिक्षित राज्य अगर पूछता है आपसे तो याद रखें केरल है वो। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लिंग अनुपात भी यहाँ का सबसे अधिक है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द नेट रिपोर्ट 2019 द्वारा किस देश को इंटरनेट स्वतंत्रता के सबसे खराब दुरुपयोग के रूप में स्थान दिया गया है? तो इंटरनेट का सबसे खराब दुरुपयोग किया गया है चीन के द्वारा, चीन। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ऑफ और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है सुनीता सरावगी ने, सरावगी ने। नेक्स्ट है, संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? तो मैंने अभी पहले आपको बताया ये किया गया इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। और कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है यूएई का राष्ट्रपति। और यूएई जो है इसकी जो करेंसी है वो आपको जो है कमेंट में बतानी है, कमेंट में बताएं इसकी करेंसी का क्या नाम है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया अभी पहले ही, ये क्वेश्चन ब्राज़ील, ये रिपीट हो चुके हैं। पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? याद रखें व्यास सम्मान जो है वो इस साल दिया जाएगा नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर 2020 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस शांति एवं विकास के लिए हर साल कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन 10 नवंबर को। तो इस बार क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।